अगली खबर कोलकाता की है, जहां प्याज की बढ़ती कीमतों ने आसमान छू रखे हैं। जहां देश में एक बार फिर प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इन बढ़ती कीमतों के चलते पश्चिम बंगाल के हल्दिया में लगभग 50,000 रुपए कीमत के प्याज चोरी हो गए। जी हां, यहां हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरों ने दुकान में रखे कैश को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ प्याज और लहसुन लेकर फरार हो गए। जी हां, अक्षय दास प्याज लहसुन के थोक व्यापारी हैं। उनकी दुकान मिदनापुर के सूत हाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हल्दिया में स्थित है। जी हां, दास ने बड़ी मात्रा में प्याज स्टोर कर रखा था ताकि बाद में अच्छी कीमतों पर बेचा जा सके। दास ने बताया कि प्याज की बिक्री करने से पहले ही चोर इसे चुरा ले गए। उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर कैश गल्ला भी रखा था, पर चोरों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। चोर प्याज के साथ अदरक लहसुन भी लेकर निकल लिए। हालांकि यहां अदरक और लहसुन की मात्रा थोड़ी कम थी। मौसम की मार के कारण प्याज की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी देखी गई है कि कारोबारियों के अनुभव के अनुसार 15 दिसंबर तक इसमें कोई उतार आने की उम्मीद नहीं है। पिछले एक महीने पहले भी कुछ इसी तरह से प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया था। लोगों ने प्याज को स्टोर कर रखा है ताकि कीमत बढ़ने पर इसे बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। जी हां, प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। नवंबर दिसंबर में प्याज की कीमतों में हमेशा गिरावट आ जाती है, लेकिन इस बार सप्लाई कम होने के कारण इसकी कीमतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान को छोड़कर बाकी ज्यादातर राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण प्याज की पैदावार पर काफी असर पड़ा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।